Welcome to our YouTube channel, SANRA Advanced Education. Today we will study Subject History, Class 6th, Chapter 1st. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे, ये जानेंगे कि प्राचीन लोग किस तरह से रहते थे, कहाँ रहते थे, कैसे उनका रहन सहन था, इस बारे में हमें जानकारी मिलेगी. तो आइए देखते हैं. Let's start. The name of the chapter is What, Where, How and When. क्या, कहाँ, कैसे और कब. इस चैप्टर का नाम ही इस तरह से दिया हुआ है. इसमें ऑल क्वेश्चन वर्ड्स हैं. इन सब क्वेश्चंस का जवाब आपको इसमें मिलेगा. द चैप्टर बिगिंस. रशीदास क्वेश्चन. रशीदा के क्वेश्चन है. रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर. रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. सडनली अचानक हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन. उसकी आंखें एक छोटी सी हेडलाइन पर पड़ी. 100 ईयर्स अगो. हेडलाइन क्या थी? 100 साल पहले. हाउ सी वंडर्ड. उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ. कुड एनीवन नो. क्या कोई जान सकता है? व्हाट हैड हैपन सो मैनी ईयर्स अगो. कि इतने साल पहले क्या हुआ होगा. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन. आओ खोजते हैं क्या हुआ. यस्टरडे कल यू कुड लिसन टू द रेडियो. आपने रेडियो सुनी होगी. वॉच टेलीविजन. टेलीविजन देखा होगा. रीड न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर पढ़ा होगा. लास्ट ईयर पिछले साल. आस्क समबडी हु रिमेम्बर्स. किसी से भी पूछें क्या उसे याद है. बट लेकिन व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग है. वो कल परसों की बात याद नहीं रहती तो बहुत पहले की बात जो कि बहुत ही पुरानी हो चुकी है उसके बारे में क्या. लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन. आओ देखते हैं ये किस प्रकार संभव है. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम अपने भूतकाल के बारे में क्या जानते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं. व्हाट पीपल एट. पहले लोग, प्राचीन लोग क्या खाते थे. द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर. किस तरह के कपड़े पहनते थे. द हाउसेस इन विच दे लिव्ड. किस तरह के घरों में वो रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स. हम इसमें पता लगाएंगे शिकारियों के जीवन के बारे में. हर्डर्स जो चरवाहे होते हैं उनके जीवन के बारे में. फार्मर्स किसानों के जीवन के बारे में. रूलर्स जो शासक होते हैं उनके जीवन के बारे में. मर्चेंट जो व्यापारी लोग होते थे. प्राइड्स पुजारियों के बारे में. क्राफ्ट पर्सन और जो हस्तशिल्प का कार्य करते थे उनके बारे में. आर्टिस्ट और जो कलाकार व्यक्ति होते थे. म्यूजिशियंस जो संगीतकार थे. एंड साइंटिस्ट और जो वैज्ञानिक थे उन सभी के बारे में हम जानते हैं. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट. हम यह भी पता कर सकते हैं अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. कि बच्चे उस समय किस तरह के खेल खेलते थे. द स्टोरीज दे हर्ड और किस तरह की वो कहानियां सुनते थे. द प्लेस दे सॉ और किस तरह के वो नाटक देखते थे. एंड सॉन्ग्स दे सेंग और किस तरह के वो गाने गाते थे. हम इन सब चीजों का पता लगा सकते हैं. वेयर डिड पीपल लिव. द फर्स्ट क्वेश्चन कि लोग कहाँ रहते थे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट पेज 2. इस लेसन में पेज 2 पर मैप नंबर 1 में नर्मदा नदी को खोजो. पीपल हेयर लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स. यहां पर लोग रहते थे इस नदी के किनारे सेवरल 100,000 ईयर यानी कि 100,000 साल पहले. इसके किनारे पर लोग रहते थे, निवास करते थे. सम ऑफ अर्लीस्ट पीपल कुछ प्राचीन लोग हु लिव्ड हेयर जो यहाँ रहते थे. वर स्किल्ड गैदरर्स वो एक समूह बनाकर रहते थे. दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड. जो पीपल एक साथ रहकर वो अपने खाने का भी इंतजाम करते थे. दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड सराउंडिंग फॉरेस्ट्स. और वे इस बारे में भी जानते थे अबाउट द वास्ट वेल्थ कि जो बहुत ज्यादा धन होता है. एंड प्लांट्स और पौधों के बारे में. ऑफ प्लांट्स
कि जो ये पौधे हैं इनसे हमें बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है. इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, जो कि जंगलों में चारों तरफ फैले हुए हैं. एंड कलेक्टेड रूट्स, और वो उनकी जड़ों को कलेक्ट करके फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और दूसरे जो वृक्ष होते हैं उनसे फलों को और दूसरी चीजों को एकत्रित करके फॉर देयर फूड, अपने खाने के तरह से उनका यूज करते थे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो जानवरों का भी शिकार करते थे. Now next passage. Now find the Suleiman and Kirthar Hill to the northwest. आओ चलो इस मैप में अब देखते हैं सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों को जो कि उत्तरी पश्चिम में है. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8000 years ago are located here. सम ऑफ एरियाज, इसमें से कुछ भाग पर, वेयर जहां पर वोमेन स्त्रियां और एंड मैन और पुरुष फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, जहां पर सबसे पहले यहां फसल उगानी शुरू की थी. सच एज वीट, वो फसलों में से क्या थी, गेहूं की फसल थी. एंड बार्ली, और जौ की फसल उन्होंने सबसे पहले उगाई थी अबाउट लगभग 8000 साल पहले, जो कि इसमें लोकेटेड है. People also begin rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. और यहाँ पर ही लोगों ने क्या शुरू कर दिया था, जानवरों को पालना, जैसे कि भेड़ बकरी और मतलब पशुओं को उन्होंने पालना शुरू कर दिया था और गांवों में रहना शुरू कर दिया था. Locate the Garo Hills to the northeast and Vindhya in central India. चलो अब हम उनकी स्थिति देखते हैं गारो पहाड़ियों की, और नॉर्थ ईस्ट में जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उसमें विंध्या जो सेंट्रल इंडिया का भाग है उसे उसके बारे में देखते हैं. दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ये कुछ ऐसे दूसरे भाग थे वेयर वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहां पर कृषि कार्य शुरू हुआ था. द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, ये ऐसी जगह थी जहां पर चावल सबसे पहले उगाए गए. आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज, यह विंध्या की विंध्या पर्वत की उत्तरी भाग का हिस्सा है. ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटेरियस आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लोज इनटू आर लार्जर रिवर. चलो ट्रेस करते हैं इंडस नदी को और इसकी सहायक नदियों को, जो कि सहायक नदियां कौन सी होती हैं, जो छोटी छोटी नदियां जाकर बड़ी नदी में मिल जाती हैं उनको सहायक नदियां कहती हैं. अबाउट 4700 इयर्स एगो, लगभग 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज, कुछ पुराने शहर फ्लोरेस्ट ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स, इस नदी के किनारे कुछ बहुत प्राचीन शहर भी यहां पर विकसित हुए थे. इंडस नदी को सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है. लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, और लगभग 2500 साल पहले, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा नदी के किनारे भी कुछ शहर विकसित हुए. एंड इट्स ट्रिब्यूटेरियस एंड अलोंग द सी कोस्ट, कुछ तो इस नदी के किनारे विकसित हुए और कुछ समुद्र तट के किनारे मतलब विकसित हुए थे. लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन, चलो गंगा नदी को लोकेट करते हैं और इसकी सहायक नदियों के बारे में जानते हैं जिनको सन कहा जाता था. इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में, द एरिया अलोंग दीज रिवर्स, इन नदियों के बराबर का जो एरिया होता था, क्षेत्र होता था, टू द साउथ ऑफ द गंगा, गंगा के दक्षिण में, वॉज नोन एज मगध, उसको मगध के नाम से भी जाना जाता था. इट्स रूलर was very powerful, यहाँ का शासक बहुत ज्यादा शक्तिशाली था. and set up a large kingdom, उसका बहुत बड़ी राजधानी थी या राज्य था. kingdoms were set up in other parts of the country as well, और इसी तरह बड़े बड़े जो राज्य थे वहां पर देश में स्थापित किए गए थे. now next passage. Throughout people traveled from one part of the subcontinent to another. उस समय लोग एक जगह से दूसरी जगह या एक उप
महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक भी यात्रा करते थे. द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स. उस समय उनकी यात्रा बहुत खतरे में पड़ी रहती थी क्योंकि उन्हें कैसे रास्ते पार करने पड़ते थे, पहाड़ों से होकर जाना पड़ता था, हिमालय पर्वत जो है उनके रास्तों से, और रेगिस्तान से जाना पड़ता था, नदियों के रास्ते से जाना पड़ता था और समुद्री रास्ते से जाना पड़ता था, जो कि उस समय बहुत खतरनाक होता था. बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन जब हम कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी असंभव नहीं होता. सो मैन एंड वोमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड. इसलिए उस समय जो व्यक्ति थे वो इधर से उधर क्यों जाते थे, अपनी जीविका को जीने के लिए, उसके जीविका जीने के रास्ते ढूंढने के लिए वो यहां से वहां जाते थे. एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. और साथ ही ऐसे जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे कि बाढ़ है या सूखा पड़ जाता है, ऐसी आपदाओं से बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे या जाना पड़ता था. समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज. कभी कभी सेनाएं आक्रमण करती थी, कॉन्क्रीज अदर्स लैंड, दूसरों के भूमि को या दूसरे के जो क्षेत्र होता है उसको जीतने के लिए वो आर्मीज सेना के रूप में आक्रमण भी करते थे. बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवास और सेप्स. और जो व्यापारी लोग होते थे वो कारवों में सफर करते थे या यात्रा करते थे जहाजों के द्वारा, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और काफी महत्वपूर्ण या काफी जो कीमती सामान होता था उनको अपने साथ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे. एंड रिलीजियस टीचर्स, और जो धार्मिक अध्यापक होते हैं या शिक्षक होते थे, वर्क्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज. वो एक गांव से दूसरे गांव तक घूमते थे, शिक्षा देते थे. टाउन टू टाउन, कस्बे से कस्बे तक जाते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे. और वो रास्ते में खड़े होकर लोगों को शिक्षित करते थे. फाइनली अंत में सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. कुछ लोग इधर से उधर यात्रा क्यों करते थे, क्योंकि वो साहसिक कार्य करके दिखाना चाहते थे या उनके मन में कुछ नया कर दिखाने की इच्छा होती थी, वॉन्टिंग टू डिस्कवर न्यू. और कुछ लोग कुछ नई खोज करना चाहते थे एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, और कुछ मतलब आश्चर्यजनक जो जगह होती है वहां पर जाकर कुछ नया खोजने के उनके मन में रहता था या नई खोज करना चाहते थे. ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल. और ऐसा सब करने से एक दूसरे के आइडियाज एक दूसरे तक पहुंचते थे. नाउ नेक्स्ट पैसेज, व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउडेज. आजकल लोग यात्रा क्यों करते हैं. लुक एट द मैप फर्स्ट वंस मोर. मैप फर्स्ट पर एक बार फिर से देख सकते हैं. हिल्स, पहाड़ियां, माउंटेन पर्वत एंड सीज और समुद्र फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. इनसे मिलकर जो उपमहाद्वीप है उनकी सीमा बनती है. व्हाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, जबकि इन सीमाओं को पार करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता था, दोज हू वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज. लेकिन जिनके मन में लगन होती है वो पीछे नहीं हटते और वहां पर वो पहाड़ियों के रास्ते से और समुद्र के रास्ते से इनको पार भी करते थे. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स, जो सीमा पार करके लोग आते थे, ऑल्सो केम इन टू द सबकॉन्टिनेंट, जो इन उप महाद्वीपों में आ जाते थे एंड सेटल हेयर, और वहां पर आकर सेटल भी हो जाते थे या बस जाते थे. ओके, दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशंस. और इस तरह लोगों के आने जाने से इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह, इससे क्या हुआ, इससे हमारी सांस्कृतिक जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, उन वो समृद्ध हो जाती थी. एंड पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कर्विंग स्टोन्स. और इसी तरह क्या हुआ, उन्होंने जो पत्थर होते हैं उन पर नई नई आकृति बनाई और नई नई मूर्ति कला को उन्होंने निर्माण किया. कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूजिक जो संगीत होता है उसका आविष्कार हुआ, उसे कंपोज किया गया. एंड इवन कुकिंग फूड, यहां तक कि खाना बनाना भी आ गया. एंड और सेवरल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, एंड जो कि काफी हजार साल पहले ये पॉसिबल हो चुका. नाउ द स्टूडेंट्स, एज यू नो दिस चैप्टर इज वेरी बिग, सो we will study the next part of this chapter in the second part of this video. Thanks for being with us. Thank you.